रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं पावर बीआई, और पावर बीआई में हम आपके साथ बातचीत करेंगे किस तरीके से हम पावर बीआई के अंदर विजुलाइजेशन का इस्तेमाल करते हो। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया किस तरीके से हम डेटा को कनेक्ट कर, डेटा हम कैसे कनेक्ट करते हैं हम लास्ट कुछ क्लासेस में सीखे। तो चलिए एक डेटा हम यहां पे लेके आते हैं। फ्रॉम फाइल और हम करते हैं कनेक्ट, और हम इसमें डैशबोर्ड 13 को लेते हैं। और यहां हम अपना डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा क्लिक करके डेटा को सिलेक्ट कर लेते एंड लोड, हमने लोड कर। अब डेटा लोड हो चुका है, अब हम बात कर रहे हैं जो विजुलाइजेशन है उसके कैसे शो करेंगे। तो लास्ट क्लासेस हमने टेबल के बारे में डिस्कस किया था क्या सर, और हमने गैट चार्ट गट चार्ट के ऊपर डिस्कस किया था, एक कार्ड भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टी कार्ड भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ऊपर के रो से हम शुरू करते हैं, ऊपर के रो से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है चार्ट कॉलम चार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम पहले ए वाली चार्ट लेते हैं, इसको बोलते हैं स्टैक कॉलम चार्ट। अब इस कॉलम चार्ट के अंदर हमने क्या किया कि हम यहां लेते हैं और इसमें हम कोर्स को डाल दिया और हमने इसमें क्वांटिटी को डाल दिया। हमने क्या किया, कोर्स और क्वांटिटी डाल दिया। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा चार्ट बन। लेकिन अगर इसमें मैं दो फील्ड डालूं तो जैसे कि मैं मंथ बीच के अंदर ऐड कर देता हूं, तो अब देखिए गट चार्ट क्या करता है कि डिवाइड कर देता है। जब उसके पास एक से ज्यादा फील्ड होता है तो वो क्या करता है, इस तरह से सेपरेट करता है। ठीक है, डन सर। तो अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि स्विच हो जाए, मुझे कोर्स वाइज नहीं, मुझे यहां मंथ वाइज लाइन चाहिए और कोर्स वाइज इसके पार्ट्स चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, मंथ को ऊपर डाल देंगे और कोर्स को नीचे डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अंदर एक चीज और भी हो सकती है, जैसे मैंने कोर्स को मंथ के नीचे डाला, कोर्स को उठा के मंथ के नीचे डाला, यहां देख सकते हैं। तो आपका जो रिपोर्ट मंथ वाइज दिख रहा है, कोर्स वाइज नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ एरो निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए अब आपके कोर्स वाइज आ गए। मतलब एक ही चार्ट में दो अलग अलग तरह के चार्ट आपको दिख जाएंगे जब आप एक एक्सिस के अंदर में दो फील्ड को रखते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि मैं कोर्स को मल्टीपल स्मॉल मल्टीपल पे करेंगे तब क्या होगा कि तब जितने भी पार्ट होंगे उसके अलग अलग चार्ट आपको डिवाइड करके बना दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग चार्ट बना दिया जाएगा इस तरह। ठीक है, जिसमें डिस्प्ले नहीं है तो उनको तो नहीं शो करना चाहिए इसको। वैसे क्या बोल रहे, जिसमें डेटा नहीं है उसको तो, हाँ तो उसकी लाइनिंग शो नहीं कर रहा है, लाइनिंग शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन लेजेंड तो शो करेगा ना सर। लेजेंड तो चार्ट नॉर्मल भी एक्सेल चार्ट में भी शो होता है, तो यहाँ भी लेजेंड शो करेगा, पर डेटा शो नहीं कर रहा है। देखिए डेटा कहाँ शो कर रहा है, डेटा नहीं तो नहीं शो कर रहा। लेंथ को हटा नहीं सकते तो इसमें कंडीशन डाल के लेंथ जो आई ना मेरे काम ना लेंथ ना हो। नहीं सर, नहीं इसकी सेटिंग है, इस तरह से नहीं हटा सकते आप। ओके ठीक है,
अब मैं यहाँ सर सर एक पे बोलिए सर एक चीज पूछ रहे थे कि लेट सपोज कि सर हम एक्सेल के अंदर ना लगाते थे ना हाँ कि जिन जो डेट्स हैं जिन डेट्स का अगर लेट सपोज कि हमारे पास डेटा है और हाँ डेटा और में डेटा में हमारे हमारे पास ना पास ना एक डेट एक है डेट एक से है लेके एक से दस लेके तारीख तक, दस बट तारीख तक हमारे पास जो हमारे डेटा पास आ जो रहा है ना डेटा आ वो रहा है एक ना से वो लेके एक से 5 तारीख पांच है, तारीख है फिर फिर 6-7 गायब है, छह फिर सात 8-9-10 गायब गायब है है। तो जब तो हम जब उस पर उस पर डेटा 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 उसको एक डेटा पाई डेटा उसको एक पाई चार्ट पाई या चार्ट कॉलम या चार्ट कॉलम इंसर्ट चार्ट करते इंसर्ट हैं ना, करते हैं ना और जब और जब कॉलम को कॉलम को लेते हैं लेते तो हैं उसके अंदर एक उसके अंदर ऑप्शन एक होता ऑप्शन है होता टेक्स है एक्सिस टेक्स करके, एक्सिस तो हम करके उसको तो हम करते उसको हैं तो करते उसमें हैं तो क्या उसमें होता क्या है कि होता है कि जिनके जिनके आगे आगे कोई कोई डेटा डेटा होता होता है है सिर्फ सिर्फ उसको उसको ही ही उसके उसके ही ही पास पास तो तो रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करता करता है। है। नहीं इसमें ऐसा नहीं है सर, देखिए इसके देखिए इसकी जो भी प्रॉब्लम सेटिंग है वो आपको यहां मिलेगी ठीक है। अब इसमें ऐसा चीज नहीं यहाँ पे वाई एक्सेस को रख सकते हैं या हटा सकते हैं, एक्स एक्सेस को रख सकते हैं या हटा सकते हैं, या फिर इसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं दोनों केसेस में। तो फॉर्मेटिंग में क्या है, कलर बॉर्डर वगैरह वही और कुछ नहीं, उसके अलावा टाइटल सेम है, टाइटल रख सकते हैं या हटा सकते हैं, और ऐसे ही यहाँ पे एक्सेस के टाइटल रख सकते हैं या हटा सकते हैं। लेजेंड्स आप रख सकते हैं, ऊपर लेजेंड होता है कि कौन कलर किसका कौन कलर है, रख सकते हैं या हटा सकते हैं। उसके बाद स्मॉल मल्टीपल रखा है तो उसकी अलग फीचर है, ग्रिड लाइन, जूम साइडर कि जूम साइडर रखना है या नहीं रखना है। जूम साइडर में यहाँ पे जूम करने का ऑप्शन आता है जिसको आप जूम करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर डेटा बड़ा है तो जूम कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर हम बार्स की बात करें तो बार्स के कलर सेट कर सकते हैं कि किस कोर्स के लिए क्या क्या बार्स होंगे, वो कलर आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे रिवर्स स्टैक ऑर्डर करें ऑफ करते हैं तो आप देखेंगे रिवर्स हो जाता है ठीक है, मतलब आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे चल जाता है, ये रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ स्पेसिंग का है कि आप स्पेसिंग कितना रखना चाहते हैं वो यहां से डिसाइड कर सकते हैं। स्पेसिंग कम करेंगे तो आपका ये इसका थोड़ा मोटा होगा, ज्यादा करेंगे तो पतला होगा। उसके बाद डेटा लेवल शो करना है तो डेटा लेवल शो कीजिए, डेटा लेवल में क्या क्या शो करना है यहाँ देखिए, ये ऑल करना है कि सिर्फ एक्सेस पे करना है कि मुझे एक्सेस पे ही शो करना है, ऑन ऑफ यहाँ से डिसाइड कर सकते, तो यहां से कोर्स डिसाइड कर सकते हैं डेटा लेवल क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद ऑप्शंस कि इसका क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए या आउटसाइड होना चाहिए या सेंटर होना चाहिए, वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। वैल्यू वैल्यू में इसकी क्या कलर क्या फॉर्मेटिंग और डेसिमल प्लेस डिसाइड कर सकते हैं ठीक है ना। ओवरलैप टेक्स्ट करना है मतलब कि एक टेक्स्ट दूसरे को ओवरलैप करना है तो वो कर लीजिए, बैकग्राउंड रखना है तो बैकग्राउंड है इसका। उसके बाद यहाँ पे टोटल लेवल्स आता है, टोटल लेवल्स को अगर ऑफ है ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल टोटल दिखता है, मतलब कि यह हुआ कि 8 3 7 हुआ और इसके यहाँ पे पार्ट्स आपके यहाँ पे शो हो, और इसकी भी एक अपनी फॉर्मेटिंग है जो आप देख सकते हैं जो फॉर्मेटिंग है। तो ये हो गई आपकी बार चार्ट की फॉर्मेटिंग। अब बार चार्ट को हटाते हैं, स्टैक बार चार्ट, अब हम कॉलम चार्ट लेते हैं जो कि है स्टैक कॉलम चार्ट, बिल्कुल जैसे ये है सेम उसी तरह से, बस एंगल चेंज हो गया है। अब इसको भी हम लेते हैं और इसकी भी फॉर्मेटिंग को देखते हैं, जैसे इसमें भी हम मंथ वाइज और नेम वाइज टोटल लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी, तो यहाँ पे देखिए मंथ वाइज और नेम वाइज आपको बन गया है। अब देखिए एक मंथ का एक ही सेल है जिसमें मंथ डबल डबल है, वहां यहाँ डबल डबल दिख रहा है, और सेम मंथ को उठा के मैंने अगर यहाँ पे नेम के नीचे रख दिया तो ये आपको मंथ नेम वाइज मंथ वाइज सेल दोनों आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसके जैसा और नहीं हुआ कि यहाँ पे मतलब कि सिर्फ इस तरह से ड्रॉप डाउन नहीं करने की जरूरत नहीं है, नेम वाइज आ गया, और अगर हम इस पे क्लिक करते हैं इस पे क्लिक करते हैं तो मंथ वाइज आ गया, ये भी कर सकते हैं ठीक है। इस पे क्लिक कर देते हैं टू दो एरो जो आ रहा है इस तरह से तो आपको नेम और मंथ दोनों को दिखता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि मैं कोर्स को उठा के स्मॉल मल्टीपल में डाल दिया तो सारे के सारे इसके अंदर के अलग अलग चार्ट अलग अलग कोर्स के हिसाब से अलग अलग चार्ट आ जाएंगे।
उसके बाद अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग की बात करें तो इसमें भी बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग है जो आप देख सकते हैं, इसमें कोई खास चीजें नहीं है, सेम फॉर्मेटिंग है इसमें, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी कोई चार्ट सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेटिंग तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन एक चीज ऐड हो जाती है, एनालिटिक्स में आप जाते हैं तो कुछ फीचर, जैसे इसमें देखें तो कंसिस्टेंस लाइन मिलता है कि आप यहाँ पे कंसिस्टेंस लाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, कलर के साथ। और जीरो पर है, मैं इसकी वैल्यू 500 सेट कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि 500 पे मेरा एक लाइन आ गया, लाइन दिख रहा होगा। और ये ट्रांसपेरेंसी को हम 0% कर देते हैं, ये पूरा दिखेगा, डैश नहीं, मुझे पूरा सॉलिड लाइन चाहिए तो सॉलिड लाइन है। उसी तरह से आप यहां भी एनालिटिक्स कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया, एनालिटिक्स में गया तो यहाँ दो है, एक है कंसेंसस लाइन। आप बोलेंगे सर इसमें एक था, देखिए वो टाइप डेटा और चार्ट के हिसाब से ये जो है एनालिटिक्स जो है अपने आप सजेस्ट होता है, एआई सिस्टम है यहाँ पे सजेस्ट करता है। अब कंसेंसस लाइन हम ऐड करते हैं, तो मुझे मान लीजिए फिक्स करना है कि भाई मेरा 500 का फिक्स लाइन है, तो लाइन में गया और यहाँ पे वैल्यू 500 फिक्स कर दिया, कलर कर दिया रेड और 0% कर दिया इसकी ताकि ओवरलैप दिखे, डैश की जगह पे यहाँ पे डॉटेड नहीं सॉलिड लाइन दे, ये सॉलिड लाइन है। इन द फ्रंट करना है या बिहाइंड करना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं यहां से लाइन। अब इसी में अब हम एनालिटिक्स में आते हैं, यहाँ पे एरर बार, एरर बार में जब आते हैं तो आप यहाँ पे अपना एरर बार यूज कर सकते हैं। एरर बार किस पे यूज करना है, सम द क्वांटिटी पे। अब यहाँ पे एनेबल करना है तो एनेबल कीजिए, माई फील परसेंट, यहाँ पे परसेंटेज होगा, बाय परसेंटेज के हिसाब से एरर जो है आपको यहाँ पे फिट होगा। इस एरर बार का लॉजिक समझ नहीं आया सर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10% एरर बार में जो हुआ आपका, ये दिखा दिया कि 10% ऊपर और 10% नीचे, ठीक है ना। एरर बार में क्या होता है कि जैसे आप बोलते हैं कि मेरी जो 5 से 7% की गलती होती है, मान लीजिए आपका एक सेल्स का टोटलिंग है, तो उस टोटलिंग में अगर आप मान लीजिए 5 से 10% की आपकी गलती होती है, तो 5 से 10% शो कर देगा तो बंदा को पता रहेगा कि 5% का जो है ना ये सेल यहाँ हो सकता है या ऊपर हो सकता है, बात समझे। क्योंकि जब हम ओके सर, जब जब हम चार्ट बनाते हैं, जब डेटा एनालाइज करते हैं, तो फिगर्स जो है ये सांख्यिकी बोलता है कि फिगर जो है वो एवरेज होता है, क्या होता है, एवरेज होता है, ना कि फिक्स होता है इतना ही। तो जहां पे एवरेज है वहां पे 5% या 10% मान भाई कम भी हो सकता है, इतना परसेंट ज्यादा भी हो सकता है, उसका करेंगे तो यहाँ आपको चीजें शो हो जाती है, ठीक है। और ये अपनी बार की फॉर्मेटिंग, इसका रेड कलर करना है, ग्रीन करना है, बोल्ड करना है, वो चीजें आप यहाँ कर सकते हो। विड्थ को बढ़ाना है तो विड्थ को आप यहाँ से बढ़ा सकते हो आप, और यहाँ पे और सर यहाँ इसमें पे हम सर वैल्यू इसमें नहीं ऐड वैल्यू कर नहीं ऐड सकते, हम सकते, कितने हम कितने परसेंट तक आ रहे परसेंट हैं। दिखा रहे हैं, ऐड किया ना यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको दे तो ये भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे एरर शो कर इसमें दिया, ऊपर इसमें भी शो इसमें हो, भी शो जैसे हो गया वैल्यू इसे में शो वैल्यू में होता है शो हो गया इसमें, तो इसमें, इसमें ऊपर इसमें ऊपर नंबर शो हो कि नंबर हमने शो कितने कि कितने परसेंट परसेंट डिसाइड किया डिसाइड किया क्राइटेरिया के, फाइव क्राइटेरिया के, परसेंट फाइव हमारा परसेंट अप डाउन हमारा हो एरर सकता है। लेवल दिखा था, एरर लेवल ठीक ठीक है सर, है सर, ठीक है ना, समझ समझ गया कि ये गया बेस्ट कि था ये सर, बेस्ट ये था सर, वाला ये कि वाला इस पे, इसका ये जो ये है जो इसमें है ये इसे बता ये देगा कि बता ये इतना रिलेटिव हो सकता है, परसेंटेज, अप डाउन रिलेटिव होता है। परसेंटेज करेंगे तो ये देखिए रिलेटिव परसेंटेज दिखा देगा आपको, -5% मैक्सिमम 5%, ये एब्सोल्यूट करेंगे तो एब्सोल्यूट में दिखाएगा, और रिलेटिव न्यूमेरिक ये भी करेंगे एक तो बेस्ट न्यूमेरिक है दिखाएगा, सर, ऐसा एब्सोल्यूट वाला भी एब्सोल्यूट बेस्ट वाला भी है कि बेस्ट ये है कि फाइनल नंबर फाइनल ये भी हो नंबर सकते भी हैं हो और ये सकते दोनों हैं, में और अप ये डाउन दोनों वाले में भी, तो भी ये हो आई थिंक सकते हैं, बेस्ट है। रेंज है यहाँ पे, आप रेंज कर सकते हैं कि एक रेंज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डन सर, डन सर, चलिए तो समझ में आ गया एरर बार, तो इसको भी हम पीछे करते हैं। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद यहां पे आता है कर्सर कॉलम बार, ठीक है। अब कर्सर कॉलम बार में क्या होता है, यहां पे
कि अगर मान लीजिए मैंने कोर्स वाइज और मैंने क्वांटिटी का यहाँ पे आ गया, अगर मान लीजिए इसमें आ गया यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी, क्या अगर मैं सम ऑफ क्वांटिटी को लेजेंड पे रख दे के आएगा? नहीं, सम ऑफ क्वांटिटी यही है एक्सिस में ही। अगर मैंने यहाँ पे नेम को लेजेंड पे रख दिया तो इस तरह से आपके नेम वाइज डेटा आ जाएगी, दिख रहा है? तो इससे बहुत पतला हो गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि हर एक पार्ट का नेम बड़ा गया, तो नेम बहुत ज्यादा है इसलिए, ठीक है ना। अगर मैं सिटी रखूं तो सिटी रखिए, सिटी का ये स्मॉल मल्टीपल यहां भी है, लेजेंड पे रखूंगा तो ये रहा। तो इसमें आपको ड्रॉप डाउन करने का सिस्टम है, देखिए। हाँ, अगर कोर्स को सिटी के नीचे रख दिया, कि कोर्स यहाँ पे सिटी को उठाया और कोर्स के नीचे रख दिया, तो यहाँ ऑप्शन आता है कि आप दोनों इकट्ठा देख लीजिए या फिर एक एक करके यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और इसके भी फॉर्मेटिंग में देखेंगे तो जनरली फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम है जो कि हमने बाकियों के बताया, और इसकी जनरल फॉर्मेटिंग में आते हैं तो जनरल फॉर्मेटिंग भी आप देख सकते हैं कि सेम है। इसके अगर हम आते हैं एनालिटिक्स में, तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। जैसे एक कॉन्स्टेंस लाइन, एक लाइन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मिनिमम लाइन ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम लाइन ऐड कर सकते हैं, एवरेज लाइन ऐड कर सकते हैं, मीडियम लाइन ऐड ऐड कर सकते हैं, परसेंटाइल परसेंटाइल लाइन ऐड कर सकते हैं। जैसे परसेंटाइल क्लिक कर दिया तो ये अपने आप जो है सीरीज देख लिया कि सम ऑफ द क्वांटिटी पे अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि हो सकता है दो तीन फीचर आपने इसमें डाला हो। उसके बाद लाइन की फॉर्मेटिंग क्या है वो आ जाती है, और यहाँ पे डेटा लेवल ऑन करना है तो डेटा लेवल ऑन कर सकते हैं लाइन पे। यहाँ ऊपर दिख रहा है, छुपा हुआ है, यहाँ दिख रहा है, कलर चेंज करेंगे तो पता चलेगा। ब्लैक करते हैं और यहाँ पे सॉलिड, और इनफ्रंट बिहाइंड इनफ्रंट, ठीक है। अब इसकी जो सीरीज है, सम लाइन है, डेटा लेवल। अब डेटा लेवल की जो है कलर भी सेम है, इसकी कलर अगर ब्लैक करता हूं तो आपका डेटा लेवल भी दिखेगा, ठीक है। तो एक कलर परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बता रहा है कि 776 होना चाहिए, ठीक है, तो ले सकते हो। तो इसमें लाइन थोड़ा ज्यादा मिलता है और कुछ नहीं, बाकी वही चीजें जो मैंने इससे पहले आपको समझाया, ठीक है। सर, इस पर सर, इस डेटा पर डेटा लेवल ऐड लेवल हुए सेट हैं? हुए थे क्या? डेटा लेवल डेटा जो आप लेवल ऐड जो आप कर रहे ऐड हो, कर ऐड रहे हो थे गए ऐड हैं हो गए। इसपे? डेटा लेवल मैंने इसके बाहर लाइन पे किए थे ना, अगर आप इसकी डेटा लेवल में चाहते हैं तो फिर आपको इसकी फॉर्मेटिंग में आना पड़ेगा ना। आप तो एनालिटिक्स की फॉर्मेटिंग में थे ना, यहाँ कीजिए डेटा लेवल, आ जाएगा डेटा लेवल आपके। अच्छा अच्छा डेटा ठीक है लेवल, सर, डेटा लेवल लाने का तरीका सब में सेम ही है, कोई खास नहीं। अब इसकी हम चौथी बार है उसमें घुसते हैं, और चौथे बार में हम आते हैं, और इसमें हम इस बार सिटी वाइज और क्वांटिटी का ले, तो देख सकते हैं इस तरह से लाइन बन। अगर इसमें हम क्वांटिटी में, अगर मान लीजिए कि इसमें हम मंथ भी घुसाते हैं, तो इस तरह से दिखेगा। मतलब वही चीज है जो मैंने यहां यूज की, इसको यूज किया, सेम चीज ये है, बट इसमें क्या है कि इसका कॉलन में है, ना कि इसमें कॉलन में है। ये बार बिल्कुल तीनों के तीनों सेम है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा ए हो चुका है। अब इसकी बात करते हैं, ये 100% स्टैक चार्ट है। क्या है? 100% स्टैक चार्ट। अब मान लीजिए कि इसमें मैंने कोर्स वाइज क्वांटिटी लेंगे, तो ये दिख रहा है आपको सब कुछ मिलेगा। अब इसके 100% आ रहा है। अब इसके अंदर जो है हम यहाँ पे लेजेंड के अंदर मान लीजिए कि हमने नेम को रख, दिख रहा है? तो इसने क्या किया कि यहाँ पे परसेंटेज दिखा दिया कि 100% एक्सेल की 100% सेल में किसका किसका, फरवरी में कितना सेल हुआ, जैन में कितना सेल हुआ, जून में कितना सेल हुआ और अक्टूबर में कितना सेल हुआ। अब बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या समझ में आएगा? तो इस पे आप डेटा लेवल को ऐड कर दीजिए, डेटा लेवल आ जाएगा जो कि परसेंटेज बता रहा है, ठीक है।
और डेटा लेवल के अंदर में ऑप्शंस दिख रहा है आपको कि इनसाइड करना, और वैल्यूज के अंदर आइए, और सीरीज, ठीक, एक मिनट, ऑप्शंस ऑटो हो गया, वैल्यू यहाँ आ गई, इसमें यही है डेटा लेवल में यही है कि किस क्या अप्लाई करना, तो परसेंटेज आ जाएगा आप, ठीक है सर। सर सर एक चीज पूछनी थी, इस चार्ट के अंदर क्या ऑप्शन है कि आइदर मेरे पास एक वन ईयर का डेटा है और उस वन ईयर के डेटा पे अंदर अगर मैं चाहूं, जैसे पीवट के अंदर ऑप्शन होता है कि मैं क्वार्टरली देखना चाहता हूँ, ईयरली देखना चाहता हूँ, मंथली देखना चाहता हूँ, तो क्या ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है कि हम उस पर क्लिक करें? अवेलेबल है, क्वार्टरली अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जो है इस वाले 100% स्टैक कॉलेज जैसा था, ऐसे ये भी है, राइट। हम बात करते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जनरली हम फ्लो के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं? फ्लो के लिए, कि कितना ऊपर नीचे जा रहा है। तो अब मैंने डेट को इसमें रख दिया, जैसे इसमें डेट को ड्रॉप करेंगे ना, डेट आपका ये ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप हो गया, अभी डेट ईयरली है तो ईयरली दिखा। अब यहां से आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्वार्टरली हो गया, इस पर क्लिक करता हूं तो मंथली हो गया, इस पर क्लिक करता हूं तो डे वाइज हो गया, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक कर दूं तो आप यहां देखेंगे कि ईयर वाइज और मंथ वाइज रिपोर्ट आ गई, लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ जो है इसमें क्वार्टर रिपोर्ट देखना है। क्या देखना है? या मान लीजिए सिर्फ मंथ रिपोर्ट देखना है, तो आप यहां से ये चीजें यहां से हटा दो, इस पर क्लिक करें, ईयर हट गया, इस पर क्लिक कीजिए, मंथ हट गया, इस पर क्लिक कीजिए, डे हट गया, आ गई मंथली रिपोर्ट। बट ध्यान रखिए, इसके लिए डेटा आपका डेट फॉर्मेट में होना चाहिए। डेटा किस में होना चाहिए? डेट फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट, ठीक है। अब इसी में अगर मैं एरिया चार्ट कवर कर लूं तो ये आपको लाइन और एरिया की तरह यहां पे एरिया चार्ट दिखेगा, ठीक है। ये आपका आता है रिवन चार्ट, स्टैक चार्ट होता है। तो ये आपका जैसे यहाँ पे अगर मैं लेजेंड रखता हूँ, मान लीजिए नेम को रख दिया, तो उतने लाइन इस तरह से बन जाएंगे आपको नेम के हिसाब से, दिख रहा है? यस यस। उसके बाद इसी में अगर टू यहाँ पे आता है टू लेवल चार्ट, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मंथ यहाँ पे मंथ वाइज और हमारा नेम वाइज है। तो कॉलम के लेजेंड के जगह पे यहाँ रखते हैं मार्च, दिख रहा है? लाइन हो गया, लाइन एक्सेस हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि नेम मंथ वाइज सेल है और यहां पे आपका फिर लाइन चार्ट के अंदर भी आपका कवर है, तो लाइन भी कवर होगा और कॉम्बो चार्ट इसको बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? कॉम्बो चार्ट। इसी में अगर इस चार्ट को ले तो ये भी सेम होता है, ये आपका लाइन एंड स्टैक कॉम्बो चार्ट होता है, स्टैक चार्ट होता है। तो इसमें इसे मल्टीपल चीजें हम डाल सकते हैं, जैसे कॉलम लेजेंड में यहाँ पे मान लीजिए मंथ को डाल दिया, तो यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन मल्टीपल आ गया। अब इसी में अगर हम मान लीजिए ए लेते हैं, रिबन चार्ट लेते हैं, तो ये इस तरह से रिबन में दिखाए, ठीक है। मैं काउंट ऑफ नेम को हटा देता हूं क्योंकि रिबन चार्ट होते हैं काउंट ऑफ नेम हो गया रिबन चार्ट, और लेजेंड नहीं 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 एक्सिस में डेट और मंथ आ गया, और क्वांटिटी इसके अंदर रखते हैं, और इसमें दो डालना पड़ेगा रिवन चार्ट के लिए, हमेशा दो डालना पड़ेगा तब जाके रिवन चार्ट में आएगा, ठीक है। क्योंकि ए मंथ वाइज हुआ रिवन की साइज की, भाई कितना मोटा रिवन है, जितने जिस मजे मार्च में सेल ज्यादा है तो देख रहे रिवन ऊपर तक गया, और उसी हिसाब से रिवन। और इसकी सबकी अपनी अपनी फॉर्मेट से जो कि आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत फॉर्मेट से रिवन चार्ट में रिवन की फॉर्मेटिंग बढ़ गई, बाकी फॉर्मेटिंग आपकी बिल्कुल सेम होती है, जनरल में जाइए या फिर विजुअल में जाइए। और एनालिटिक्स जो है हर में अलग, इसमें कोई एनालिटिक्स नहीं है, तो एनालिटिक्स जो है हर चीज में अलग अलग तरीके से अपना चेंज करता है। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया कॉलम चार्ट, बार चार्ट, ये लाइन मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, ठीक है। अब मैं आपको एक डेटा शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे आप उस डेटा के ऊपर इस जो भी आपने रिलेशन देखा, जो मैंने नहीं पढ़ाया उसको यूज नहीं कीजिएगा, करने का मन कर सकते लेकिन मैं यूज करने के लिए मना करूंगा, ठीक है, यूज नहीं करना, लेकिन जो रिपोर्ट्स में नहीं है उसको जरूर यूज करना है। डेटा दिख रहा है,
तो बेसिकली सेल्स का डेटा है जिसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप का मोड है, कस्टमर की आईडी है, कस्टमर है, सेगमेंट है, कंट्री है, सिटी है, स्टेट, पिन कोड है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट की डिटेल्स पूरा दिया हुआ है, पूरा सेल्स का डेटा है। अब मैं डेटा आपको कर रहा हूं फॉरवर्ड, ठीक है, और मुझे आप क्या करें इस पे बना के भेजिए एक रिपोर्ट, एक डैशबोर्ड, प्योर सर, ठीक है, हेलो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सही ट्रैक पे है या नहीं। क्या ठीक है सर, मैं सही बोल रहा हूं सर? हेलो, डन 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 सर, आप सही ट्रैक पे है नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा? तो आप लोगों को मैं हेलो व्हाट्सएप कर देता हूं।